गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 एल एम श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें कि 1206 से लेकर 1740 तक की घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह खिलजी वंश से संबंधित है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख भूमिका रही, जिनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का अत्यधिक विस्तार हुआ था। खिलजी वंश की शासन अवधि 1290 से 1320 ईस्वी तक मानी गई है। इससे पिछले वीडियो में हमने बलबन का प्रारंभिक जीवन, कठिनाइयाँ, उपलब्धियाँ और शासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम खिलजी वंश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया जाता है और बुगरा खां के पुत्र केकुबाद को सिंहासन पर बिठाया जाता है, जो कि इस वंश का अंतिम शासक भी माना गया है। उसका शासन काफ़ी दुर्बल रहा और केवल 3 वर्ष तक ही उसका शासन अवधि रही और उसके पश्चात उसके 3 वर्षीय पुत्र क्यूमस को शमशुद्दीन के नाम से सिंहासन पर बिठाया जाता है। तो खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिलोज खिलजी ने खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, बलबन के उत्तराधिकारियों का वध करके दिल्ली सल्तनत पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार गुलाम वंश के पश्चात खिलजी वंश के शासकों ने दिल्ली पर अपना एकाधिकार स्थापित कर शासन चलाया और दिल्ली को मजबूती भी प्रदान की थी। इस प्रकार खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी माने जाते हैं, जिन्होंने कि बलबन के उत्तराधिकारियों का वध करके दिल्ली गुलाम वंश का अंत किया और खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश जो कि 1290 ईस्वी में स्थापित किया जाता है और यह 1320 ईस्वी तक चलता है। जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं, वह जून 1290 में सुल्तान बना था। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। जलालुद्दीन को मंगोल आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा था। 1292 में इस संघर्ष में मंगोलों की पराजय होती है। जब जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी भिलसा चंदेरी देवगिरी को विजित करके अपार धन संपत्ति के साथ लौट रहा होता है, तभी जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने कड़ा जाता है, जहां की धोखे से जलालुद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन के द्वारा वध कर दिया जाता है और इस प्रकार जलालुद्दीन की जो हत्या है उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है और जलालुद्दीन खिलजी के पश्चात दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है।
अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य प्रतिभावान शासक माना जाता है, जिसने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को विस्तारित रूप प्रदान किया था और शासन व्यवस्था को मजबूती से स्थापित भी किया था। तो इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जिसकी हत्या उसी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है और शासन सत्ता पर एकाधिकार स्थापित किया जाता है। जलालुद्दीन खिलजी के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी जो है शाहबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र था, जो कि जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी माना जाता है। अलाउद्दीन का जन्म 1266-67 ईस्वी के मध्य माना गया है। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि पूर्ण रूप से एक निरक्षर शासक था, लेकिन दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को इसने काफ़ी विस्तारित किया और इसने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी सैनिक अभियान किया और अपने अभियानों में इसने सफलता प्राप्त भी की थी। 20 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन का वध अलाउद्दीन के द्वारा कर दिया जाता है और दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। चूंकि अलाउद्दीन पूर्ण रूप से निरक्षर था, लेकिन सैनिक कार्यों में, शिक्षा में ये काफ़ी निपुण था। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि एक महत्वाकांक्षी सम्राट माना जाता है, अलाउद्दीन सिकंदर की ही भांति विश्व विजेता बनना चाहता था और यह उसका स्वप्न भी था। परंतु दिल्ली के कोतवाल अत्ता उल मुल्क की सलाह से उसने धर्म संस्थापना अर्थात इस्लाम धर्म को स्थापित विस्तारित करना और विश्व विजय का ख्याल मन से निकाल दिया। परंतु उसने उत्तरी और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा वर्ग को राजनीति से अलग रखा तथा इन्हें हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं दिया था। अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत के अंतर्गत गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मारवाड़, मालवा, जालौर, सिवाना आदि राज्यों पर विजय प्राप्त की तथा राजपुताना क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार स्थापित किया था, जबकि दक्षिण भारत के विजय अभियान के अंतर्गत इसने देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुंदर और मथुरा आदि राज्यों पर इसने विजय प्राप्त की थी और उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी इसने अपनी धाक स्थापित की थी और इस प्रकार इसने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को काफ़ी विस्तारित कर दिया था। अलाउद्दीन ने कठोर शासन व्यवस्था स्थापित की, अपनी सेना को नियंत्रण में रखा, अनुशासन में रखा तथा गुप्तचर प्रणाली मजबूत बनाई, सैन्य व्यवस्था को मजबूती प्रदान की थी। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का एक प्रमुख शासक माना जाता है। तो आज हम अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख सैनिक अभियान, उत्तरी व दक्षिण भारत का सैनिक अभियान, उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक व्यवस्था अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से रही थी? तो अलाउद्दीन खिलजी एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक सुयोग्य शासक भी था। उसने सैनिक और असैनिक दोनों ही क्षेत्रों में काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार किए थे और अपनी प्रशासनिक योग्यता का परिचय दिया था। सर्वप्रथम अलाउद्दीन का राजकीय सिद्धांत, इसमें फर्स्ट है कि अलाउद्दीन की मान्यता थी कि जो राजा है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। अतः उसे कोई भी आज्ञा नहीं दे सकता। दूसरा, सुल्तान निरंकुश और स्वेच्छाचारी होता है। अलाउद्दीन के अनुसार सुल्तान निरंकुश व स्वेच्छाचारी होता है। निरंकुश वह स्वेच्छाचारी होता है। तीन नंबर, अलाउद्दीन ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। और शासन में इसे हस्तक्षेप करने का मौका नहीं दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग को शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का मौका नहीं देता था। नेक्स्ट है चार नंबर, अलाउद्दीन के अनुसार सुल्तान को अपनी सैन्य और गुप्तचर व्यवस्था मजबूत बनानी चाहिए। अलाउद्दीन के अनुसार सुल्तान को अपनी सैन्य तथा गुप्तचर व्यवस्था मजबूत बनानी चाहिए। क्योंकि इसी के बल पर ही एक अच्छा शासन स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने बयाना के काजी
की सलाह पर हिंदुओं के प्रति व्याना के काजी की सलाह पर हिंदुओं के प्रति गौर नीति अपनाने को निश्चय कर लिया था। हिंदुओं के प्रति गौर नीति अपनाने का निश्चय कर लिया था। तो इस प्रकार अलाउद्दीन का राजतंत्र सिद्धांत इस प्रकार से था। अलाउद्दीन की मान्यता थी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, सुल्तान निरंकुश व स्वेच्छाचारी होता है। अलाउद्दीन ने धर्म को राजनीति से पृथक रखा, अर्थात सिनेमा वर्ग को प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं दिया। अलाउद्दीन के अनुसार सुल्तान को अपनी गुप्तचर और सैन्य व्यवस्था मजबूत बनानी चाहिए। इसके अलावा अलाउद्दीन ने वियना के काजी की सलाह से हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाने का उसने निश्चय कर लिया था। नंबर दो है सैनिक सुधार। तो अलाउद्दीन ने एक विशाल और स्थायी सेना का निर्माण किया था, जिसमें पैदल, हाथी, घुड़सवार आदि सैनिक होते थे। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन की सेना में 475,000 घुड़सवार सैनिक रहे थे। दो नंबर, सुल्तान ने सैनिकों की सीधी भर्ती की व्यवस्था शुरू की थी। अलाउद्दीन ने सैनिकों की सीधी भर्ती की व्यवस्था शुरू की थी और योग्य व्यक्ति को ही सेना में भर्ती किया जाता था। तीन नंबर, सुल्तान ने अर्थात अलाउद्दीन खलजी ने सैनिकों को जागीर देने की बजाय नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की थी, क्योंकि जागीर दे देने से जो जागीरदार है वे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे। अतः अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। इसके अलावा सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत अलाउद्दीन का जो मुख्य सुधार यह था कि अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया नोट करने और घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ कर दी थी, जिससे इन सैनिक सुधारों से अलाउद्दीन की सेना काफ़ी मजबूत हुई और इससे जो भ्रष्टाचार था वह भी समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार अलाउद्दीन ने सैनिक व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए थे। नेक्स्ट है अमीर वर्ग की शक्ति का दमन। अमीर वर्ग की शक्ति का दमन। अमीर वर्ग की शक्ति का दमन अलाउद्दीन के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन को गद्दी पर बैठते समय अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। अलाउद्दीन के भतीजे आकत खान, बंदायूं के अमीर उमर खान और अवध का शासक मंगू खान ने सुल्तान अलाउद्दीन के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था, लेकिन अलाउद्दीन ने अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर इन विद्रोहों को दबा दिया था। फिर इसके पश्चात सुल्तान ने इन विद्रोहों के कारणों का पता लगाया और उसे दूर करने के लिए अलाउद्दीन ने कुछ कार्य शुरू किए थे, जिनमें पहला था कि जिनको अनुदान में ज़मीनें दे दी गई थी
अलाउद्दीन के अनुसार उसे जब्त करने के आदेश दिए गए। दूसरी बात, सार्वजनिक रूप से शराब पीने पर अलाउद्दीन ने प्रतिबंध लागू कर दिया था। तीसरी बात, अलाउद्दीन ने अपनी गुप्तचर प्रणाली को काफ़ी मजबूत बनाया और गुप्तचरों का जाल इसने विभिन्न भागों में स्थापित किए। ये गुप्तचर घटने वाली घटनाओं की जो सूचना अलाउद्दीन तक पहुंचाते थे, जो गुप्तचर अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं करता था उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती थी। फिर सुल्तान की अनुमति के बिना उस समय अमीर सरदार न तो दावतों का आयोजन कर सकते थे, न ही ये आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते थे। इस प्रकार अलाउद्दीन ने अमीर वर्ग की शक्ति का दमन किया और शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए थे। नेक्स्ट है राजस्व सुधार, भूमिसंबंधी सुधार, राजस्व सुधार। तो अलाउद्दीन ने उस समस्त भूमि को जब्त करने का आदेश दिया जो कि अनुदान या इनाम या फिर पेंशन के रूप में लोगों को दी गई थी। इसके अलावा राजस्व सुधार के अंतर्गत सुल्तान ने राज्य की समस्त भूमि की माप करवाई, उपज का 50% लगान के रूप में निश्चित किया गया। सुल्तान ने अन्य अधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त किए। सुल्तान ने खुद मुकद्दम चौधरी, ये राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी थे, इनके विशेषाधिकार सुल्तान ने समाप्त कर दिए। अब इन्हें भी साधारण जनता की ही तरह, इनसे भी सुल्तान ने कर वसूल किया था। इसके अलावा सुल्तान ने अन्य कर भी लगाए जिनमें चराई कर, मकान कर आदि नए कर सुल्तान के द्वारा लगाए गए थे। इसके अलावा सिंचाई कर, जजिया कर, आयात निर्यात कर आदि भी जनता से वसूल किए जाते थे। राजस्व सुधार के अंतर्गत सुल्तान ने राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया। बेईमान तथा भ्रष्ट अधिकारियों को अलाउद्दीन के द्वारा कठोर दंड दिया जाता था ताकि साम्राज्य में भ्रष्टाचार न फैल पाए। तो इस प्रकार अलाउद्दीन ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अपना राजतत्व का सिद्धांत दिया, सैन्य सुधार किए, अमीर वर्ग की शक्ति का दमन किया और भूमि संबंधी अनेक महत्वपूर्ण सुधार कार्य लागू किए थे। अलाउद्दीन का राजतत्व सिद्धांत अर्थात अलाउद्दीन के अनुसार राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, उसे कोई आज्ञा नहीं दे सकता। सुल्तान निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी होता है। अलाउद्दीन ने धर्म को राजनीति से भी अलग रखा था, उलेमा वर्ग को प्रशासन में हस्तक्षेप करने का मौका नहीं दिया। इसके अलावा अलाउद्दीन ने गुप्तचर और सैन्य प्रणाली को काफ़ी मजबूती प्रदान की थी। इसी के बल पर वो दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार कर पाया था, मंगोल आक्रमण से देश की रक्षा कर पाया था। इसके अलावा अलाउद्दीन ने व्याना के काजी की सलाह से हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाने का उसने निश्चय कर लिया था। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार यही समाप्त होते हैं। कल हम फिर से हाजिर होंगे अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख सैनिक अभियान अर्थात उत्तरी और दक्षिण भारत का सैनिक अभियान, इसकी जानकारी हम कल की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।